हेलो, बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। अरे करने दो ना थोड़ा तो दो। साक्षात दिख रहा होगा लाखों के तादाद में जो युवा खड़ा है ये अपना गुस्सा को जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार है तब ना रोड पे आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार दोषी है तब इतना युवाओं को मजबूरी में रोड पे आना पड़ रहा है। जो भर्ती हर साल आती थी आज दो साल चार साल पाँच साल से रुकी हुई है। और बताइए जो एग्जाम जिसका लास्ट एज था वो एग्जाम निकाल मेडिकल क्वालिफाइड उसका एग्जाम को रद्द किया गया और उसका एज खत्म हो गया। बताइए बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा आगे चल के, यही ना देश को क्षति पहुंचाएगा या रंगदारी मांगेगा। तो आप बोलिए कैसे देश में करेगा, हेड शॉट करेगा खाली। आप देश में बोलिए कैसे साला से रंगदारी में आके
क्रिमिनल पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं सबके पीछे सरकार दोषी है। इतना बड़ा महामारी आया था देश में, कहीं चुनाव रुका? आप बताइए हमको, कहीं देश में चुनाव रुका? नहीं रुका, लेकिन चुनाव हर साल होगा, लेकिन वैकेंसी हर साल नहीं आएगा। बताइए अब कहाँ का इंसाफ है? आर्मी का वैकेंसी हर साल आना चाहिए, आर्मी का वैकेंसी जिससे पहले आता था हर साल, उस तरह हर साल से आए और उसी तरह से अब पीएडी वापस लेना पड़ेगा सरकार को। आज 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 24 घंटा में 5 साल का नहीं होगा, आज 24 घंटा में 48 परिवार का बच्चा सुसाइड किया है। बताइए उस परिवार पर क्या बीत रहा, उस परिवारों पर क्या बीत रहा होगा? मांग बताइए। और जितने भी युवा बेरोजगार हैं, आप बताइए एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में आप इस राज्य से उस राज्य में भेजते हैं, लाखों बच्चा साला ट्रेन से जाता है, कोई का जान चला जाता है, इस पर सरकार का पहल नहीं है, लेकिन बैठे बैठे अपना सत्ता। हाँ अभी यूपी में चुनाव हुआ है, कुछ दिन पहले यहाँ चुनाव होगा, चुनाव लगातार होते रहेगा, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी। लो युवा साला बेरोजगार मर जाए, उसके परिवार के लोग उसको मर जाए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है सरकार पर। हाथ जोड़ के विनती है, सरकारी पीओडी वापस लो। बोलिए, 1.5 साल से मुजफ्फरपुर एआरओ में दौड़ निकाल के बैठे, मेडिकल हो गया है, एग्जाम के 5 बजे डेट कैंसिल हुआ, हरदम डेट निकलता है या पोस्टपोन्ड हो जाता है, हरदम हमको एआरओ में बुलाता है, आधार वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हो गया है हम लोगों को। अब आज बोल रहा है, मगर 15 तारीख को रक्षा मंत्रालय ने बोला कि सबको टीओडी के तहत अब भर्ती होगा, और एयरफोर्स का जो एग्जाम एग्जाम सब हो गया था, उसका मेरिट लिस्ट बाकी था, उसको बोला कि अब रद्द हो गया। तो ये कैसा अन्याय है, ये कैसा न्याय है? इसी को लेकर हम लोग आज धरना, आज भी मगर चारों ओर पूरा ऑल भारत में ऐसा हंगामा हो रहा है। कल मुजफ्फरपुर में भगवानपुर में हम सब किए थे। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग से यही विनती है कि सरकार ने टीओडी को ख़त्म करे और पहले जैसा नियम था वो लागू लाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जहांगीर आलम हुआ। रेलवे को इसलिए जाम किया गया है क्योंकि आर्मी प्रक्रिया जिस प्रकार से पहले होती थी उसको हटा करके इस मोदी ने इसमें 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी लगा दिया है, ठीक है, इसलिए हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। 4 साल में लगाया तो लगाया, लेकिन जिसका मेडिकल फिट था, रनिंग पास था, उसका एग्जाम रद्द कर दिया गया। ये ब्रास्ट भी करेगा भैया, शीशा चली लेकिन गिर रहा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे खत्म है। भर्ती प्रक्रिया बहाल हो, आर्मी का एग्जाम जो रद्द हुआ उसको फिर से शुरू किया जाए, एयरफोर्स का नॉर्मल जारी करे, जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ उसका एग्जाम ले, नेवी का पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत फिर से लिया जाए, 4 साल मंजूर नहीं है हम लोगों को। खून से लग पत अगली पथ है सर, ये अगली बीर के नगर छोटा बहुत है, कौन सा नेता का उम्र 62 साल से ऊपर नहीं, उसको 21 साल किया जाए, उसके पास सुनने का मौका हमको 4 साल का मिलता है, तो ये देख सर जितना भी प्लेयर है सब 4 साल मिलता है, हमको 4 साल बहुत करे लगा किया जाए। महेंद्र सिंह धोनी 45 पार कर गया था, क्रिकेट में 21 साल लागू किया जाए, अमित शाह का बेटा सर जो क्रिकेट का तिनका नहीं जानता है, सचिन सर उसको हटाया जाए सर, ठीक है पुराना जो वैकेंसी है उसी को शुरू कीजिए। देखिए हम लोग भी एक सबसे बड़ा जो होता है
वो युवा युवा में होता है, युवा देश का जग जाएगा तो जिसको चाहेगा उसी को प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाएगा। युवा का जब जग गया, समझिए कि युवा जग गया है, हम लोग से बस एक ही कहना है कि अपना टीओटी को वापस लीजिए, जो पुराना जो वैकेंसी है उसका एग्जाम लीजिए, जो पुराना नियम था वही शुरू कीजिए। चार साल वाला वैकेंसी से हम सारे ट्रेन पे पथराव की घटना में अभी तक चार पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की बात आई है और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब 2 दर्जन से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। अन्य लोगों के चिन्हित करके शिनाख्त की जा रही है, उन पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? सुरक्षा किस तरह की मुहैया कराई जा रही है? अभी तो प्लेटफॉर्म पर जो है हमारी एक एक प्लाटून की टीम यहाँ पर है। वरीय पदाधिकारियों के निर्देश में मजिस्ट्रेट के साथ यहाँ पर व्यापक रूप से गश्ती और तैनाती की गई है। ट्रेन का आवागमन सुचारू रूप से चालू करवाया जा चुका है और आगे हम लोग इस पे पुलिसकर्मी पे काफ़ी पथरा हुआ है। कोई सुरक्षा उन लोगों के पास नहीं था, ना हेलमेट था, ना कुछ था। नहीं, हेलमेट वगैरह प्रोवाइड कराया गया था, वो लोग लेके नहीं पहुंचे, इस बात की भी जांच होगी। इसके अलावा पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और करीब 2 दर्जन से अधिक उपद्रवियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हंगामे की सूचना पहले से थी सरकार प्रशासन? हंगामे की सूचना ट्रेन आने के बाद ये स्थिति अप्रिय हो गई। ट्रेन के रेलवे के कर्मचारियों को बताया गया था कि ट्रेन को नहीं आने दिया जाए, ये थोड़ी सी चूक हुई है। ट्रेन आने के बाद उपद्रवियों ने जो है इस पर हंगामा शुरू कर दिया, उसके पहले स्थिति पीसफुल बताई गई थी।